आज मुझे भी बच्चा बनना है और आज मुझे बच्चे जैसे रहना है। एक पिक करते हैं कुछ तो रीड के लिए। दिस लुक्स गुड। The day the crayon quits. अभी भी याद है, मामा यूज़ टू गेट मी अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स विद द कलर्स आउट ऑफ एवरीथिंग। वो पेंट कलर हो गया, पेंसिल कलर हो गया, बट क्रेयॉन्स वाज माय फेवरेट। इट सेज द डे द क्रेयॉन क्विट्स पिक्चर्स बाय ओलिवर जेफर्स द बेस्ट। आई वांट माय क्रेयॉन्स बैक इन माय लाइफ। वन डे इन क्लास दुकान वेंट टू टेक आउट हिज क्रेयॉन्स एंड फाउंड अ स्टैक ऑफ लेटर्स विद हिज नेम्स ऑन देम। यार क्रेयॉन्स बातें भी करते हैं। मेरे टाइम पे तो सिर्फ कलरों के मैं उनको छोड़ देता था, बट आज पता चला उनके भी इमोशंस, उनके भी कुछ फीलिंग्स होती है। लेट्स रीड आउट व्हाट इज इट। पहला लेटर लिखा है डंकन को रेड कलर क्रेयॉन ने। यू नो गाइस, लेटर्स जो आज के जमाने में गायब ही है। बचपन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेटर्स लिखते थे, लिखते कम थे और उस पे पेंट ज्यादा करते थे ताकि हमारी मेमोरीज उस पे बने। इट्स मी रेड क्रेयॉन, वी नीड टू टॉक। यू मेक मी वर्क हार्डर देन एनी ऑफ योर अदर क्रेयॉन्स। ऑल इयर्स लॉन्ग आई वेयर माई सेल्फ आउट कलरिंग फायर इंजिन्स, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज एंड एवरीथिंग एल्स That's red. I have to color all the Santas at the Christmas and all the hearts on Valentine's Day. I need a rest. You're overworked, loaded friend. Red crayon. आज पता चला कि मैं क्रिसमस के दिन सांता क्लॉस तो करता था, वैलेंटाइंस डे के दिन सब फ्रेंड्स को हार्ट ड्रॉ करता था, बट अगर ये रेड कलर छुट्टी पे चला गया तो मेरा प्यार, मेरा सांता, मेरा फायर इंजन कौन ड्रॉ करेगा? प्लीज छुट्टी पे मज्जा क्रेयॉन, माई फेवरेट कलर, प्लीज। रेड ने तो ऑलरेडी छुट्टी ले ली। ही इज लाइक आई एम ऑलरेडी ओवरवर्क्ड, आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। प्लीज हैप्पी हॉलीडे, जल्दी वापस आना। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट कलर। वाओ, द पर्पल कलर। बचपन में इतने सारे कलर्स अगर बात करते ना, मुझे सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, मेरे सारे दोस्त यही होते। Dear Duncan, listen, I love that I am your favorite crayon for grape dragons, lizard hats, but it makes me crazy that so much of my gorgeous colors goes outside the lines. Coloring के time पे ये तो मैंने भी अब notice किया है कि यार उसे भी बुरा लगता रहेगा ना। Wizards hats को हम अगर color करते और अगर बाहर जाता तो शायद ऐसा ही लगता। I'm so sorry, purple crayon. अब लग रहा है कि अगर मैं lips draw करता और color बाहर जाता तो कुछ ऐसा होता। If you don't start coloring inside the lines soon, I'm going to completely lose it. Your very neat friend, purple crayon. अगर आपने मुझे line के अंदर draw नहीं किया वो बहुत जल्दी चला जाएगा और उसको गुस्सा भी आ जाएगा। सारे मेरे बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि आज से वो लाइन के अंदर ड्रॉ करेंगे और क्लीन ड्रॉ करेंगे और पर्पल क्रेयॉन की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करेंगे। पर्पल क्रेयॉन डंकन से तरफ से मेरे साइड से सॉरी, पर्पल कलर थोड़ा स्ट्रिक्ट निकला यार। नेक्स्ट कलर देखते हैं क्या है। ग्रे क्रेयॉन हेयर। You are killing me. I know you love elephants and I know that elephants are grey, but that's a lot of space to color in all myself. सच बात तो बोल रहा है, elephants बड़े भी होते हैं, crayons बहुत ज़्यादा use भी होते हैं। क्या आपको कभी ऐसा feel हुआ कि अगर मैं पूरा elephant grey कर दूँगा तो वो grey color ख़त्म हो जाएगा और next time मैं grey use नहीं कर पाऊँगा? आपको feel हुआ? मुझे ये grey color अभी feel करवा रहा है। I don't even get me started on your rhinos, hippos and humpback whales. You know how tired I am after handling one of these things, such big animals. अब मुझे notice हो रहा है कि grey को कितनी तकलीफ होती रहेगी जब हम सारे animals को grey color करते होंगे यार। But अगर हमारा grey color खत्म हो गया तो क्या animal दूसरे color के आएंगे? Baby penguins are also grey. You know, so we are very tiny rocks, pebbles. How about one of those once in a while to give me a break? Your very tired friend, the grey crayon. इतना सारा ग्रे, बट ग्रे यू कांट गेट टायर्ड बिकॉज यू हैव टू कलर अ लॉट मेनी ग्रेज। थोड़ा रेस्ट ठीक है, कम बैक सून सो वी कैन कलर मोर ग्रे। आई लव द पार्ट कि ग्रे ने अपने इमोशंस को कितना मस्त लिखा है। देखो गलतियां उसने भी की है। डंकन, प्रॉमिस मी अब से आप ग्रे को यूज करोगे किसी और कलर के साथ भी ताकि उसको थोड़ा रेस्ट मिले, प्लीज। गाइज वन सेकेंड, इतने सारे कलर्स तो मुझे पता चल रहे हैं, बट आपको बाकी कलर्स के बारे में भी जानना है ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। किया? नहीं? अभी 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 जस्ट क्लिक इट मैन। सब्सक्राइब ऑल्सो हैज ब्लैक एंड व्हाइट। आई एम ऑलरेडी ऑन द ब्लैक एंड व्हाइट। प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ सो आई कैन मूव ऑन टू अनदर कलर। अभी ब्लैक कलर खुद आ गया है सामने। दिस इज गेटिंग एक्साइटेड। आई हेट बीइंग यूज्ड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ थिंग्स दैट आर कलर्ड in by other colors, all of which thinks they are brighter than me. कि सब कुछ हम कलर कर देते, भर देते
और खाली हम आउटलाइन के लिए ब्लैक रखते हैं, बट ब्लैक को ऐसा बुरा फील नहीं होना चाहिए ना। इट्स नॉट फेयर व्हेन यू यूज मी टू ड्रॉ अ नाइस बेज बॉल एंड देन फिल इन द कलर्स ऑफ द बॉल्स विथ ऑल द अदर क्रेयॉन्स। ब्लैक उससे इम्पॉर्टेंट भी तो होता है ना, अगर सारे कलर्स में भर देता और अगर ब्लैक को यूज नहीं करता तो बाकी कलर्स का वजूद क्या ही होता। सो ब्लैक एक्चुअली अगर देखने जाए तो आप बाकी कलर्स की आइडेंटिटी को और अच्छा बनाते हो। डंकन, यू विल प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू पेंट समथिंग ब्लैक यू विल बी कलरिंग इट फुल्ली ब्लैक। ओके, प्रॉमिस, ब्लैक कलर ही प्रॉमिस कर रहा है। मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि ब्लैक कलर यू आर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टू अस एंड यू आर ऑलरेडी स्माइलिंग ऑलरेडी एंड दैट इज द कलर। टू मच ऑफ ग्रीन, बट या लेट्स सी व्हाट ग्रीन हैज टू से। डियर डंकन, एज अ ग्रीन क्रेयॉन आई एम राइटिंग फॉर टू रीजंस। आई लाइक माय वर्क, लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स, ट्रीज, डायनासोर्स एंड फ्रॉग्स। आई हैव नो प्रॉब्लम एंड विश टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन अ वेरी सक्सेसफुल कलरिंग थिंग्स। इसको तो खुशी है कि हम इसको यूज कर रहे हैं। ऑफकोर्स तो बोला है डायनासोर्स है, फ्रॉग्स है, ट्रीज है, और उसको खुशी भी है यार कि हम इसको इतना यूज कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स इट्स नेचर। द सेकेंड रीजन आई राइट इज फॉर माई फ्रेंड्स, येलो क्रेयॉन एंड ऑरेंज क्रेयॉन, हु आर नो लॉन्गर स्पीकिंग टू ईच अदर। बोथ क्रेयॉन फील्स दे शुड बी द कलर ऑफ द सन। Please settle things soon because they are driving the rest of the crayons crazy. फिलहाल तो ग्रीन का समझ में आ गया, ग्रीन बोलना क्या चाह रहे थे, बट ग्रीन एक बात से खुश था, योर हैप्पी फ्रेंड द ग्रीन क्रेयॉन। शायद वो बात आ चुकी है। येल्लो और ऑरेंज झगड़ा तो कर रहे हैं, बट पहले देखते हैं येल्लो को बोलना क्या है। आई नीड यू टू टेल ऑरेंज क्रेयॉन दैट आई एम द कलर ऑफ द सन। आई वुड टेल हिम बट वी आर नो लॉन्गर स्पीकिंग एंड आई कैन प्रूव I am the color of the sun too. Last Tuesday, you used me to color in the sun in your happy farm coloring book. In case you have forgotten on this page, you can't miss me. I am shining down brilliantly on a field of yellow corns. ये अभी डंकन की प्रॉब्लम है। उसने उसके कलरिंग बुक में डाल दिया। उसने उसके कलरिंग बुक में उसके फार्म के उसमें येल्लो को इतना ब्राइट कर दिया, और वो ब्राइट किया तो किया, उसने कॉर्न्स को भी येल्लो बहुत सारा कर दिया। तो अभी येल्लो का प्रॉब्लम ये है कि ऑरेंज बोल रहा है उसको कि मैं येल्लो नहीं, मैं ऑरेंज सन हूँ, और ऑरेंज नहीं, मैं येल्लो सन हूँ, और डंकन ने पूरा का पूरा सन येल्लो कर दिया। योर पर्ल एंड द ट्रू कलर ऑफ सन, येल्लो क्रेयॉन। अभी येल्लो ने प्रूव भी कर दिया, डंकन ने ये भी बोल दिया, बट डंकन आई होप मम्मी नेक्स्ट कलर ऑरेंज ना हो। आई सी येल्लो क्रेयॉन ऑलरेडी टॉक टू यू द बिग वाइना। Anyways, could you please tell Mr. Tattletail that he is not the color of sun? I would have, but we are no longer speaking. We both know I am clearly the color of the sun because no Thursdays you used me color the sun on both the Monkey Island and Meet the Zookeeper pages. The day at the zoo, coloring book. Orange, you glad I am here. Hai na? Your pearl. And the real color of sun. एक सेकेंड, ये डंकन को ये बोल रहा है। पहली बात तो येल्लो और ऑरेंज बात नहीं कर रहा है, और डंकन ने अभी बहुत सारे कलर्स किए मंकी आइसलैंड में, मीट द जू कीपर में, द डे एट जू। अब इन सब में डंकन को अगर ऑरेंज कलर से सन करना ही था तो फार्म में जाके सन को येल्लो क्यों किया डंकन? दिस प्रॉब्लम आई कीप इट अप टू यू, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ऑरेंज क्रेयॉन, उसने क्लियर बोल दिया कि सन का कलर मैं हूँ, और येलो ने भी बोल दिया कि सन का कलर मैं हूँ। ऑरेंज तो प्रूफ के साथ आया है। अब पता चला कि सारे कलर्स क्यों इतने सारे एक दूसरे से खफा है, स्पेशली येलो और ऑरेंज। लेट्स सी व्हाट अदर कलर हैज टू से टू दिस डंकन। एक ब्लू कलर सिर्फ देखने मिला, इसकी प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, बट देख के अच्छा लगा क्योंकि अभी हम एक प्रॉब्लम से बाहर जो आए। इट हैज बीन ग्रेट बीइंग योर फेवरेट कलर दिस पास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर। I have really enjoyed all those ocean, lakes, rivers, raindrops, rain clouds and clear skies. But the bad news is that I am so short and stubby. I can't even see over the railing in the crayon box anymore. I need a break. Your very stubby friend blue crayon. Actually, उसने इसको बहुत सारे साल use किया है, but वो upset है क्योंकि सब क्रेयॉन्स को देखने मिल रहा है बाहर क्या हो रहा है उसके रेलिंग्स पे, बट ब्लू क्रेयॉन छोटा सा ऐसे सैड हो चुका है क्योंकि इतना सारा यूज़ किया उसको अभी देखने ही नहीं मिल रहा क्या हो रहा है। ब्लू क्रेयॉन, आई फील योर इमोशन। नाउ व्हाट इज टू, वी ऑलरेडी हैव
पिंक होगा तो लड़कियों के लिए होता है, ब्लू होगा तो लड़कों के लिए होता है। बट नाउ व्हाट पिंक एक्चुअली हैज टू से, आई एम एक्साइटेड। यू हैव नॉट यूज्ड मी वंस इन द पास्ट ईयर, इट्स बिकॉज यू थिंक आई एम गर्ल्स कलर, इजंट इट? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारी पहले की कॉन्वर्सेशन पिंक सुन चुका है। स्पीकिंग ऑफ विच, प्लीज टेल योर लिटिल सिस्टर थैंक यू फॉर यूजिंग मी इन द कलर प्रिटी प्रिंसेस कलरिंग। यार ये पिंक, एक तो पहले तो गुस्सा है डंकन से क्योंकि उसने उसको पूरा साल यूज नहीं किया, उसके अलावा थोड़ा सा थैंक यू बोल रही हूँ उसकी बहन को क्योंकि उसने उसकी प्रिटी प्रिंसेस कलरिंग बुक के अंदर उसको थोड़ा यूज कर लिया और उसने एक्चुअली वो खुश भी है क्योंकि उसने लाइंस के बाहर नहीं गए। कुड यू प्लीज यूज मी समटाइम्स टू कलर द ओकेजनली पिंक डायनासोर और मॉन्स्टर और अ काउबॉय? गॉडनेस नोज दे कुड यूज अ फ्लैश ऑफ कलर्स। आई विल रिक्वेस्ट डंकन कि प्लीज यूज पिंक कलर इधर उधर ऑल्सो, थोड़ा डायनासोर ऑल्सो एंड थोड़ा मॉन्स्टर ऑल्सो, बट पिंक कलर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डंकन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा कहीं यूज कर ले। योर अनयूज्ड फ्रेंड पिंक क्रेयॉन, बट नाउ यू हैव द आंसर। क्या बचपन में आपको पता था ये कलर एग्जिस्ट भी करता है? क्योंकि मुझे पता है कौन सा कलर है। हाउ डज द पीच कलर लुक? इट लुक्स लाइक दिस। देखा सबने है, पता सबको है, लेकिन क्या आपको पता था इसको पीच बोलते हैं? इट्स मी, पीच क्रेयॉन। व्हाई डिड यू पील ऑफ माय पेपर रैपिंग? नाउ आई एम नेकेड एंड टू एम्बैरस्ड टू लीव द क्रेयॉन बॉक्स। आपने निकाला होगा ना उसका पूरा कवर निकाल के ऐसे एक साथ रख के। मैंने बहुत सारे कलर्स को किया है बट डंकन ने सिर्फ पीच को किया है और उसको गुस्सा भी है कि अभी वो नंगू भी है और उसको शाय भी हो रहा है और वो कलर बॉक्स से बाहर नहीं आना चाह रहा। आई डोंट इवन हैव एनी अंडरवेयर। हाउ वुड यू लाइक टू गो टू स्कूल नेकेड? आई नीड सम क्लोथ्स, हेल्प 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 योर नेकेड फ्रेंड पीच क्रेयॉन। अगर डंकन ने उसके कपड़े अनरैप कर दिए तो कुछ तो रैपिंग में रखना होगा। माई प्रॉमिस टू पीच क्रेयॉन, डंकन विल गो फॉर शॉपिंग, वी विल गो फॉर शॉपिंग ऑफ पीच कलर क्लोथ शॉपिंग। सो नाउ वी नो ऑल दिस लेटर्स हैड सो मच टू से अबाउट एंड ओनली विद कलर्स। सब लोगों ने अपने अपने कलर से लेटर्स लिखे, अपने अपने पॉइंट्स रखे अपने अपने पेपर्स के साथ, बट इंटरेस्टिंग था कि ब्लैक के ऊपर वाइट ने लिखा, ग्रीन खुश था, पर्पल नाराज था, बट एवरीबडी हैड सच ब्यूटिफुल थिंग्स फॉर डंकन। बट लेट्स सी व्हाट डंकन हैज टू से। वेल, पुअर डंकन वॉन्टेड टू कलर एंड ऑफकोर्स ही वॉन्टेड हिज क्रेयॉन्स टू बी हैप्पी एंड That gave him an idea. And that's the Duncan's world. 3, 2, 1. The wow comes here. And that's the wow. I think hats off to Duncan. Because I love the way usne sabko khush kiya hai. Grey had a problem ki elephant itna bada tha. Pura grey. Rhinosaurus, ye wo. Usne elephant ko brown kiya. And he kept the fish tail also little. Jo black ko problem tha ki main outline mein kyun use ho raha hun. उसने ब्लैक को भी शेडिंग कर दिया। एंड सी ही हैड अ प्रॉब्लम, स्काई ब्लू इतना छोटा क्यों था, तो ही मेड द फुल स्काई येलो एंड उसने ब्लू को सिर्फ पानी बनाया। दिस इज सो अमेजिंग, यू ऑल्सो कैन सी दिस, लाइक अ प्रॉपर पर्पल कलर उसके लाइन के अंदर एंड अ डायनासोर फ्लाइंग एंड ऑल्सो अ क्यूट पिंक कलर डायनासोर ऑन अ बोट। और उसने रेड भी यूज किया सेंटा के लिए। आई मीन ऑरेंज हैड अ फाइट, ग्रे वॉज अ वेल प्रॉब्लम, he made the sky yellow and he made the whale orange. How interesting and smart this is. He used all the animals here. Bus ko bhi red se problem tha, he changed the color of the bus, he made it more interesting. Aur jo sabse bada problem and the sabse bada fight of yellow and orange, he made it very clear, he made the entire sky yellow, wo khush, he made the entire sun orange, wo bhi khush. When Duncan showed his teacher his new picture, she gave him a good work sticker of coloring. Wow, guys, I have understood the colors. I am going to use it very wisely. I am going to make sure that all the colors are going to be equal. But let's see what's the next thing. A good star of creativity. And that's where all the colors are there. And it's the best feeling because I wish I could go back to my childhood again. Sit back to the old drawing book, open the colors, and this time I would just not color, I would talk to those colors and say, hey, are you happy? See, I'm using you so much. And I think the colors would have reverted back, yes, I am happy, at least maine unko nanga to nahi kiya. This promise I give it to all the crayons, ki aaj ke baad main bhi, aap bhi, hum sab ke underwear, school bags, sab kuch pehna ke hum unko color karenge aur zyada use nahi karenge, aur use karenge bhi to
इसी तरह इसी फन वे में यूज करेंगे। ये बुक तो मुझे बहुत पसंद आई है एंड आई लव सच क्रिएटिव थिंग्स। मेरे और भी फ्रेंड्स आएंगे, और भी बहुत सारी कहानियाँ होंगी, और भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी जो आपको सुननी है। मेरी फेवरेट विद दिस क्रेयॉन्स एंड देर आर मेनी मोर फेवरेट्स कमिंग ओनली ऑन दिस चैनल। सो प्लीज़ अभी के अभी सारे क्रेयॉन्स एक साथ लीजिए और अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए एंड गेट बैक टू ऑन दिस बटन्स चैनल।